स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि नॉर्मलाइजेशन KVS LDC में नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका मार्क्स बढ़ेगा या घटेगा। मैं इसी के बारे में पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताने वाला हूँ कि बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला दिखा रहा है LDC में, PDF जो डाला है, तो मैं उसको भी पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक तो सब चैनल वाले ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट आ गया, उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन अभी तक किसी ने इसका एक्सप्लेन नहीं किया है। तो मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी, आप देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं डायरेक्ट आपको वहाँ पे लेके चल रहा हूँ जहाँ से ये अपना फॉर्मूला स्टार्ट किया है। ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम पढ़ते हैं, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चंस व्हिच हैव टू बी कंसाइडर्ड ऑफ स्कोर एवेल्युएशन एंड स्कोर नॉर्मलाइजेशन पोस्ट द फाइनलाइजेशन ऑफ क्वेश्चंस आफ्टर द कैंडिडेट हैव रेज्ड ऑब्जेक्शन इफ एनी। यहाँ पे बी इक्वल टू ए दिया हुआ है, इसका मतलब ये माइनस हैश दिया हुआ है। तो ये समझने के लिए दिया है कि हम यहाँ पे मान के चलते हैं, बी बराबर हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस माइनस उस शिफ्ट में जो KVS LDC ने सारे बच्चों से जो ऑब्जेक्शन लिया था कि क्वेश्चन गलत है, तो जिस क्वेश्चन पे मैक्सिमम कैंडिडेट्स का ऑब्जेक्शन होगा कि ये क्वेश्चन रॉन्ग था, तो उतना नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पे ये दिखा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 था, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन डाला तो 3 क्वेश्चन उसमें रॉन्ग हुआ। तो ऑफिशियल जो KVS है वो ऑफिशियल ने 3 क्वेश्चन को रॉन्ग घोषित कर दिया। तो अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 117, 117। तो हमारा बी बराबर हो गया 117 क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं आगे, एज्यूम करते हैं कि किसी कैंडिडेट ने 117 क्वेश्चन, अब हम 3 क्वेश्चन तो रॉन्ग हो गया, उसको माइनस कर दिया KVS ने। अब देखते हैं यहाँ पर कि 103 कैंडिडेट ने 103 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। यहाँ पे दिख रहा है आपको, किसी कैंडिडेट ने 103 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें से उसमें 98 क्वेश्चन उसके करेक्ट हुए और 5 क्वेश्चन उसके रॉन्ग हो गए। तो इसमें तो निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो उसके 98 क्वेश्चन राइट माने जाएंगे, मतलब करेक्ट हैं उसके 98 क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन उसके रॉन्ग थे, 103 अटेम्प्ट किया था। अब इसका जो एवरेज निकाला जाएगा स्टूडेंट, वो 117 क्वेश्चन के बेस पे ही निकाला जाएगा, ना कि 120, क्योंकि 3 क्वेश्चन रद्द हो चुका है ऑब्जेक्शन जब मिला था तभी। तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि मान लेते हैं कि इन द एग्जाम्पल सी इक्वल टू 98, यानी सी हम मान लेते हैं टोटल करेक्ट आंसर कैंडिडेट का, उसके बाद टोटल करेक्ट रेस्पॉन्स डी, यानी यहाँ पे टोटल रेस्पॉन्स जो करेक्ट दिया है वो डी हम मान लेते हैं 98। तो यहाँ पे आपको दिखाया है, फॉर्मूला दिखा दिया है कि किसी भी स्टूडेंट का अगर 98 करेक्ट है तो इस बेस पे उसका एवरेज मार्क्स निकाला गया है। तो उसका एवरेज मार्क्स कैसे निकाला है यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो डी है ये करेक्ट आंसर, और ये जो बी है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस माइनस जो रॉन्ग क्वेश्चन घोषित कर दिए गए KVS के तरफ से वो। तो बी इक्वल टू हमारा 117 आएगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमारा गलत हुआ था, इंटू 100। तो 100 क्वेश्चन अगर नहीं, हम 120 क्वेश्चन के आधार पे निकाल रहे हैं, तो हम इंटू 120 कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये 98 हमारा करेक्ट आंसर था, और
117 क्वेश्चन था और उसको मल्टीप्लाई 120 से किया है, तो जिसका 98 क्वेश्चन सही हुआ था, आफ्टर एवरेज निकालने के बाद उसका जो मार्क्स आएगा इतना आएगा, समझ गए? अगर किसी का 98 अगर करेक्ट आंसर हुआ है तो उसका एवरेज निकालने के बाद उसका 100 मार्क्स आ जाएगा। तो ये तो हमारा हो गया कि मार्क्स कितना आएगा। लेकिन अलग अलग शिफ्ट में बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, अलग अलग शिफ्ट में कई कई हज़ार स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, तो शिफ्ट के हिसाब से जो वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल रहा है यहाँ पे, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल से। यहाँ पे दे रहा है कि मान के चलते हैं कि किसी भी शिफ्ट में, किसी एक शिफ्ट में 9 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको, एक शिफ्ट में 9 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, मतलब ये सब इनको, इसको हम मान लेते हैं कि ये एक एक कैंडिडेट है, ये एक एक कैंडिडेट है, और एक कैंडिडेट का मार्क्स इतना आया, दूसरे कैंडिडेट का मार्क्स इतना आया, तीसरे कैंडिडेट का मार्क्स 40 आया, और चौथे कैंडिडेट का मार्क्स 71 आया, ठीक है। अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग मार्क्स आया, तो ये हमारा मार्क्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये अलग अलग मार्क्स आ गया, तो ये टोटल मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है सिग्मा एक्स, एल इक्वल टू सिग्मा एक्स इक्वल टू 585, यानी सभी कैंडिडेट का यहाँ पे मार्क्स उसने जोड़ दिया है, तो सभी कैंडिडेट का मार्क्स यहाँ पे मिला के 585 हो गया मार्क्स, टोटल कैंडिडेट मार्क्स इतना आ गया। और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट शो कर दिए यहाँ पे 9, और पूरा 9 कैंडिडेट का पूरा मार्क्स हो गया 585, ओके। अब यहाँ पे उसने क्या किया है कि एवरेज कैंडिडेट मार्क्स निकाल दिया है, तो एवरेज कैंडिडेट मार्क्स तो आप जानते ही कैसे निकालते होंगे, टोटल मार्क्स बाय कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे उसने टोटल मार्क्स निकाल दिया कितना, 65। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कि एल बाई नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रजेंट फॉर द पर्टिकुलर शिफ्ट इक्वल टू 585/9, यानी एवरेज मार्क्स उस शिफ्ट में प्रत्येक कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स 65 मान लिया गया, 65 मान लिया गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, अब पहले कैंडिडेट का हम निकालेंगे, पहले कैंडिडेट का मार्क्स आया था 31, 31 मार्क्स आया था, अब 65 एवरेज मार्क्स आया है, तो 65 एवरेज मार्क्स में उसका कितना कम हो रहा है, तो 34 मार्क्स कम हो रहा है ना उसका, तो -34। उसी तरह एक कैंडिडेट का 46 मार्क्स आया है, तो अब एवरेज 65 मार्क्स में उसका कितना मार्क्स कम है, 19 मार्क्स कम है, तो यहाँ पे -19 ले लिया है, यानी एवरेज मार्क्स से अगर किसी का कम मार्क्स आया है तो उसका उतना माइनस मार्क्स माना जाएगा, और जो एवरेज मार्क्स 65 है उससे ऊपर किसी का अगर मार्क्स आया तो उसको प्लस में माना जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट का 71 मार्क्स है, तो 65 से उसका कितना है, ज़्यादा है, यानी 6 उसका प्लस में आएगा। तो इस तरह से ये आपको फार्मूला निकाल रहा है, या स्टेटिस्टिक्स का फार्मूला है, इस तरह ये स्टैंडर्ड डेविएशन और सिग्मा ये सब मिला के निकाल रहा है, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, आप देखते चलिए। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया है उसने कि जो भी एवरेज मार्क्स से कम या ज़्यादा मार्क्स है उसको उसने स्क्वायर कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने स्क्वायर कर दिया है, जो भी कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स से कम मार्क्स आया है या फिर जितना ज़्यादा मार्क्स आया है या कम मार्क्स आया है उसको क्या है, उसने अपना सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने के लिए उसको स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। अब देख तक 34 का स्क्वायर करेंगे तो 1156 आएगा, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा, तो इसका स्क्वायर कर दिया है, यहाँ पे प्रत्येक का स्क्वायर कर दिया है जिससे कि हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर निकल सके, ताकि आगे फार्मूला पे उसको बैठाने में, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलने में आसानी हो, बाद में उसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकल दिया है।
मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला यह होता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई नंबर ऑफ, मतलब जो भी नंबर हो, कैंडिडेट का नंबर ही हो, फिर कोई भी नंबर हो, तो यहाँ पे ये रख दिया है। अब सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालने के लिए, सिग्मा मतलब होता है जोड़ देना, जो भी रहता है उसको जोड़ दिया, तो एक्स स्क्वायर जो है पूरा 4356 आ रहा है, 4356 बाई कैंडिडेट, नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे 484 आया है। उसके बाद यहाँ पे निकाल दिया है फार्मूला के हिसाब से, अंडर रूट तोड़ दिया है तो 22 आ गया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल दिया उसने, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मार्क्स जो है 585 है। उसके बाद उसने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया तो 22 आ गया, 22 आ गया। तो इस हिसाब से, और एवरेज मार्क्स भी निकाल चुका है 65, तो अब इस हिसाब से जो है पुट अप करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो यहाँ पे ये समझाने के लिए सिर्फ इतना डाला है उसने, अभी तो असल नंबर जो क्वेश्चन ऑफ नंबर था एलडीसी में 100 क्वेश्चन था, उसमें कितना नंबर किसी का आ रहा है, तो इस हिसाब से वो वहाँ पे पुट अप करेगा, और कई हज़ार स्टूडेंट है तो वो तो कंप्यूटर से पूरा कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा हिंट्स दिया है उसने, समझा दिया है, तो इस बेस पे कैंडिडेट्स का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इस हिसाब से देख सकते हैं आप, तो ये है नॉर्मलाइजेशन का पूरा फार्मूला। आशा है स्टूडेंट्स कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आ ही गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन में होता ये है ना कि एक, मैं अगर शॉर्टकट में बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन में होता ये है कि नॉर्मलाइजेशन में एक एवरेज मार्क्स निकाला जाता है। एवरेज मार्क्स से जितना ज़्यादा किसी का मार्क्स आएगा तो उसका मार्क्स और बढ़ेगा, और एवरेज मार्क्स से अगर किसी का कम मार्क्स आ रहा है तो ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि उसका मार्क्स और घटता ही है। KVS LDC नॉर्मलाइजेशन में जो एक हर एक शिफ्ट का एक एवरेज मार्क्स जो घोषित करेगा, उस एवरेज मार्क्स से किसी का अगर ऊपर मार्क्स आ रहा है तो उसका मार्क्स और बढ़ेगा, और उस एवरेज मार्क्स से अगर किसी का मार्क्स कम हो रहा है तो उसका मार्क्स और घटेगा। ये शॉर्टकट में मैं बता दिया कि इस तरह होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।